अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है पीसी का है, लेक्चर नंबर 16 है, जो कि हम परचेज के हवाले से डिस्कस किया जाएगा। पहले हमने इनवाइसिंग की थी, कोटेशन बनाई थी, सेल ऑर्डर्स वगैरह बनाए थे कस्टमर्स से रिलेटेड, और उसके बाद हमने उनकी रिसीविंग की थी कैश की। आज हम परचेज के हवाले से मतलब बात करेंगे कि परचेज ऑर्डर कैसे बनेगा और परचेज रिसीव इन्वेंट्री परचेज, जब आइटम परचेज होती हैं उनकी एंट्री कैसे होती है, वेंडर्स को पेमेंट कैसे की जाती है। तो इसके लिए आपने टास्क मेन्यू में जाना है। टास्क मेन्यू में सबसे पहले है परचेज ऑर्डर। जिस तरह हमने कोटेशन बनाते हैं इसी तरह परचेज ऑर्डर बनाते हैं कि हमने क्या क्या चीजें ऑर्डर करनी है परचेज के हवाले से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास वेंडर आईडी है। पहले हम कोटेशन जब बनाते थे तो यहाँ पर कस्टमर का आईडी सिलेक्ट करते थे, तो परचेजिंग जो होती है वो वेंडर से होती है, तो वेंडर को सिलेक्ट करेंगे कि वेंडर की आईडी क्या है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी अब वेंडर्स होंगे वो सारे अवेलेबल होंगे। जिस वेंडर को आप सिलेक्ट करेंगे वो वेंडर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने डेट बतानी है परचेज ऑर्डर की और पीओ नंबर बताना है, परचेज ऑर्डर नंबर जो भी आप रखेंगे। उसके बाद आपने क्वांटिटी बतानी है कि कितनी ऑर्डर करनी है। उसके बाद आइटम सिलेक्ट करेंगे कि किस आइटम को हमने परचेज करना है, वो आइटम को सिलेक्ट करेंगे और उसकी वो डिस्क्रिप्शन खुद ही आ जाएगी, यहाँ पर रेट भी खुद ही आ जाएगा। अगर आप रेट चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज भी कर सकते हैं और उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। इसी तरह दूसरी आइटम सेलेक्ट करेंगे जो आपने परचेज करनी है, उसके बाद तीसरी, जितनी भी आपने करनी है वो करने के बाद आप उसको यहाँ से ऊपर सेव करेंगे तो ये आपका जो है एक परचेज ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ नेविगेशन के बाद आपने इसको प्रिंट लेना है तो आप प्रीवियस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पर जाएंगे और ये प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसका प्रीव्यू दिखा देगा कि आपने परचेज ऑर्डर में क्या क्या चीजें परचेज करनी है। यहाँ पर आसिफ ट्रेडर, ऊपर वेंडर का आईडी आ रहा होगा, उसके बाद ये आइटम की डिटेल आ रही है, डिटेल आने के बाद आपका नीचे उसका टोटल भी आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद इसको आप इसकी जो रिपोर्ट चेक करने के लिए है वो आप रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाकर इसकी आपको पता है कि अकाउंट्स इन्वेंट्री अकाउंट्स पेबल के अंदर हम इसकी रिपोर्ट्स चेक करेंगे। इसकी यहाँ परचेज ऑर्डर जनरल, परचेज ऑर्डर रजिस्टर, ये परचेज ऑर्डर रजिस्टर है, ये अभी हमने जो ऑर्डर बनाया है यहाँ पर आप इसको मतलब आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और इसकी ऑप्शन में जाकर इसको फिल्टराइज भी कर सकते हैं कि इस डेट से लेकर इस डेट तक का, अगर आप मतलब बहुत सारे परचेज ऑर्डर बने हुए हैं तो आप उसको डेट वाइज फ्रॉम टू पीरियड लगाकर आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। इसके बाद परचेज ऑर्डर नंबर, अगर आप किसी एक परचेज ऑर्डर नंबर से आप रेंज दे सकते हैं कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक का हमें ऑर्डर चाहिए। वेंडर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप बेशुमार वेंडर हैं तो आप कहते हैं कि इसमें से इक्वल टू किसके हमें इस आसिफ ट्रेडर से रिलेटेड चाहिए। वेंडर टाइप से भी कर सकते हैं, प्रिंटेड और पीओ स्टेट से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपका वो वेंडर यहाँ पर उसके परचेज ऑर्डर ओपन हो जाएंगे। इसको आप एक्सेल में ले जाना चाहते हैं एक्सेल में भी ले जा सकते हैं। इसके बाद दोबारा अगर आपने परचेज ऑर्डर ओपन करना है तो आप दोबारा भी उस परचेज ऑर्डर को ओपन कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर में जाएं, यहाँ से ओपन में जाएं, ये परचेज ऑर्डर है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये दोबारा ओपन भी हो जाएगा। प्रीवियस नेक्स्ट नेक्स्ट बटन से भी आप इसको जा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक ऑर्डर पर जाना चाहते हैं तो आप ओपन पे क्लिक करें और ओपन पे क्लिक करने के बाद आप उस परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे तो वो परचेज ऑर्डर सिलेक्ट हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 16 था जो कि परचेज ऑर्डर से रिलेटेड है। अब दूसरा लेक्चर हमारा परचेज रिसीव इन्वेंट्री से रिलेटेड होगा जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। 17 में हम हाजिर